नमस्कार, द समाचार भारती में आपका हार्दिक स्वागत है। तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाए जाने वाला व्रत है जो पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। कहीं कहीं ये हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मिथिला क्षेत्र में प्रकृति की पूजा का एक भाग गणेश चतुर्थी के दिन चौरचन पूजन का भी विधान है, जबकि इसी दिन अर्थात भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र एवं पश्चिमी प्रदेशों में गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। मूल रूप से यह भगवान श्री गणेश एवं चंद्रमा की पूजा होती है। स्त्रियों के लिए सौभाग्यवती होना पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य का प्रभाव माना जाता है, इसलिए स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के व्रतों को करती हैं। अखंड सौभाग्य की कामना के लिए हरितालिका तीज व्रत सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। संयोगवश इस वर्ष हरितालिका तीज व्रत एवं चतुर्थी चंद्र पूजन एक ही दिन 30 अगस्त मंगलवार को मनाए जाएंगे। इस संदर्भ में ज्योतिष आचार्य अविनाश शास्त्री ने बताया कि 30 अगस्त मंगलवार को तृतीया प्रातः सूर्योदय के पश्चात दिन के 2:40 तक रहेगा, उसके बाद चतुर्थी तिथि का प्रवेश होगा। इसलिए तीज एवं चतुर्थी चंद्र पूजन दोनों एक ही दिन 30 अगस्त को ही मनाया जाएगा। आचार्य शास्त्री ने बताया कि हरितालिका तीज व्रत उदय कालिक तृतीया तिथि में मनाया जाता है एवं चतुर्थी चंद्र पूजन, जिसे मिथिला के क्षेत्र में चरचंदा भी कहते हैं, वह चतुर्थी तिथि में जब चंद्रमा का उदय होता है उस समय चंद्रमा का पूजन किया जाता है। बताइए, हरितालिका और चौथी चंद्रमा की पूजा का क्या हिसाब किताब है? तृतीया मंगलवार को उदय तिथि है और हरितालिका तीज तृतीया तिथि में ही मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज भी कहते हैं, राजस्थान में बड़ा महत्व है इसका, हरियाली तीज के नाम से वह प्रसिद्ध है। तो उदय कालिक तृतीया तिथि जिस दिन हो उसी दिन तीज व्रत किया जाता है। तो मंगलवार को 30 अगस्त मंगलवार को उदय तिथि तृतीया है और दिन के 2:40 तक तृतीया तिथि है, तो इसलिए उदय तिथि होने के कारण तीज व्रत पूजन उत्सव जो हरितालिका का है वो मंगलवार को ही आयोजित होगा, स्त्रियां मनाएंगी। और चतुर्थी चंद्र पूजन जिसको अपने मिथिलांचल के क्षेत्र में चौरचन पावन कहते हैं या चौरचंदा कहते हैं, वो चतुर्थी चंद्र पूजन है, यानी कि चतुर्थी तिथि में चंद्रमा का जब उदय हो और उसकी जो पूजा हो वह चतुर्थी चंद्र पूजन कहा जाता है। तो मंगलवार को चूंकि दिन के 2:40 में तृतीया समाप्त हो जाएगी और सूर्योदय के पश्चात जब चंद्रमा का उदय होगा तो वह चतुर्थी तिथि में उदय होगा, इसलिए शाम में माताएं लोग चिरंजीवी पुत्र सुख समृद्धि की कामना के लिए उसी दिन सूर्यास्त के बाद चतुर्थी चंद्र पूजन भी करेंगे। मंगलवार को ही तीज, मंगलवार को ही चौरचन पावन, चौरचंदा, चतुर्थी चंद्र पूजन का आयोजन किया जाएगा। जी, आपका शुभ नाम? आचार्य अविनाश शास्त्री।